अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रामलाल ठाकुर व पूर्व मंत्री व विधायक श्री नैना देवी रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि अभी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करके गए हैं, लेकिन लंबे समय के बाद हुआ यह दौरा अभी जनता को भ्रमित करने वाला ही रहा है। पुरानी योजनाओं की मरम्मत और रखरखाव के लिए 6 करोड़ से ज़्यादा का फट्टा लगाना दर्शाता है कि यह काम पुरानी सरकार का है तथा भाजपा द्वारा इस काल में कुछ नया नहीं हो पाया है। जो मेरे को थोड़ी सी लंबी करनी पड़ेगी ये बात है, आप खरखड़ी में पहुँचे हैं, अभी अभी ताजे मुख्यमंत्री हमारे स्वारघाट में होके गए, उन्होंने कई फट्टे वहाँ पे रखे, कई अनाउंसमेंट्स वहाँ पे करी। JJM से 6,66,00,000 रुपए का उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन रखा। वो क्या रखा कि जो पुरानी स्कीमें, अगर उसका कोई मोटर ख़राब होगी तो वो ठीक करनी है, अगर कहीं पे टैंक बढ़ना है तो वो बढ़ना है। इसका मतलब 2 सब डिविज़नों में जितने भी काम पीछे हुए हैं, जितनी भी स्कीमें बनी हैं, वो न के बराबर होगी। और अब मुख्यमंत्री जी ने दोबारा जो है वो दोनों सब डिविज़नों का एक ही जगह पत्थर रख के जो है 6,66,00,000 रुपए की उन्होंने घोषणा करी। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पे ये आपने खड़कड़ी की बात करी, खड़कड़ी मिलिट्टा एक ही पंचायत है ये, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वहाँ पे एक स्कीम हमने बनाई थी, चेयरमैन आए थे प्लानिंग कमीशन के, उन्होंने नैना देवी माता के कुछ पैसा जो है वो सेंक्शन किया था। पैसा आया तो नैना देवी से काड़ाकुंड के लिए सड़क भी बनी। अगर सड़क नहीं बनती तो वहाँ पे जो है ना स्कीम को बनाना मुश्किल होता। पहले जो है वो सड़क बनी और वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बनी। सड़क बनने के बाद फिर काड़ाकुंड नैना देवी सड़क जो है वो उसका पानी की स्कीम का उठाऊ पानी की स्कीम का जो है वो काम शुरू हुआ, नैना देवी में पानी पहुंच गया। उसमें कुछ तकनीकी खराबियां रह गई, वो है कि गोविंद सागर में जो सिल्ट आती है वो कई बार नुकसान कर जाती है, तो पंप हाउस को वो नुकसान हो रहा था। तो क्या हुआ कि हमने एक नई स्कीम प्रपोज़ करी और वो भी हमारे टाइम में प्रपोज़ हुई। वो था कि नीचे टोबा से 1 क्यूसिक पानी जो है वो हमने नैना देवी को दिया। नैना देवी और उसके साथ की जो पंचायतें ऊपर की, मढ़ियाली पंचायत है और गोंडल पंचायत है, उनको म्यूनसिपल कमेटी के साथ वो भी हमने कवर किया। मैंने पिछली बार ठाकुर महेंद्र सिंह जी के साथ, क्योंकि विधानसभा में मैंने इन स्कीमों का प्रश्न किया था, तो महेंद्र सिंह जी ने इसका जो जवाब दिया, मैंने कहा ये ठीक नहीं है। अब आप मंत्री हैं, आपको जो नीचे से लिख के दे दिया वो आपने विधानसभा में पढ़ दिया, पर ये ठीक नहीं है, ये गलत है जो जवाब आप दे रहे हैं। महेंद्र सिंह जी ने खुद मौके पे आके कहा मैं मीटिंग लूँगा, आए हो यहाँ पे, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने तुरंत उसके ऊपर जो है वो अमल भी किया। और मैंने ये कहा कि जो नीचे काड़ाकुंड की जो स्कीम है ये हमारी, क्योंकि मोटरें भी ख़राब पड़ी है, तारे भी लोगों ने चोरी कर ली, कुछ और भी हो गया, कुछ मशीनरी चोरी होगी, तो उसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, तो क्यों ना उसको पानी को और उस स्कीम को हम दोबारा से बनाने। तो आदेश हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि एक परकुलेशन वेल अलग से बना, पानी वहाँ से उठा के उसी स्कीम को जो है ना जोड़ के। मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है वहाँ पर वही काड़ाकुंड का पानी जो है वो हमने खरखड़ी और सलोहा पंचायत, इन दोनों पंचायतों को पानी देना। और मैं देखूँगा इसमें, क्योंकि वो काम तकरीबन जो है पूरा हो गया है, आने वाले जो गर्मियों के टाइम आएगा मैं खुद जाऊंगा मौके के ऊपर और खरखड़ी को हर घर को पानी पहुंचाने का सरकार भी कह रही है, पर मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं ये कह रहा हूं मैं खुद वहां पे जाऊंगा और वो जो स्कीम काड़ाकुंड वाली जो स्कीम है उसको जो है ना खरखड़ी और सलोहा पंचायत को दोनों को हर घर में पानी पहुँचाने के लिए मैं 1.5 महीने की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर उसको हम पूरा करेंगे। आपका फैसला टीवी के लिए बिलासपुर से विजय कुमार की रिपोर्ट।